अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। हम लोग यहाँ इस वक्त अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में हैं और यहीं मेरे वालिदे गिरामी जेरे इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और बे इंतहा आप लोगों की नेक ख्वाहिशात का ये नतीजा है कि हजरत बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। बस ये इल्तिमास है आप सभी लोगों से कि इसी तरह अपनी दुआओं में शामिल रखें, अपने इलाके की मस्जिदों में अइम्मा किराम से ये कहें कि नमाजों में दुआ करते रहें ताकि आगे आने वाले जो लम्हात हैं वो हमारे लिए आसान हों, बेहतर हों और हजरत की सेहत के जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हजरत रूब सेहत हों। और दूसरी बात ये भी अर्ज करनी थी कि इस दौरान सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग अलग अलग अजीब व गरीब टाइप की खबरें पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल किसी भी किस्म की अफवाह पर कान धरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात होगी, कोई भी अपडेट होगी हजरत की सेहत के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे वीडियो के जरिए जो है वो आपसे मुखातिब रहूंगा और आपको इत्तला करता रहूंगा। फिलहाल दुआओं में खास याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।